सर एक्चुअली मैं जानना चाहता था कि हम जानना चाहते थे आर्क जी कैसे ड्राइंग करना है। आर्क नहीं, आपको ड्राइंग आर्क कैसे ड्रॉ करना है एक सर बार सर करेंगे हाउ टू ड्रॉ एन आर्क सर वी वॉन्ट टू नो। प्लीज। यस ओके फाइन। इसको कर दो फर्स्ट शेयर। गो टू द मॉडिफाई का फर्स्ट गो टू द ड्रा कमांड को हमारे पास अभी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये लाइन से 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, उसके बाद आर्क ड्रा करेंगे। ड्रॉ आर्क 3 पॉइंट आर्क फर्स्ट पॉइंट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। दिस इज फर्स्ट आर्क 3 पॉइंट आर्क एंड सेकेंड। ऑप्शन फॉर सेकेंड ऑप्शन द ऑप्शन इज स्टार्ट सेंटर एंड। इसको हम स्टार्ट पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को एंड पॉइंट लेते हैं। ये है स्टार्ट सेंटर एंड। उसके बाद आर्क है स्टार्ट सेंटर एंगल। हमने इसको स्टार्ट पॉइंट ले लिया, इसको हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। अब क्या है, हमें एंगल कितना चाहिए। यहां तक हमारा 180 होगा, हम इसको 90 तक बनाते हैं, 90 एंटर, तो ये हाफ बन गया। सिमिलर फैशन हम नेक्स्ट आर्क लेंगे, नाउ अगेन गो टू द ड्रा कमांड, गो टू द आर्क कमांड। हेयर इज स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट ले लें। अगेन इसका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट। अब हमने लेंथ कितनी लेनी है, हम लेंथ इसको कर देते हैं 50। आई रिपीट दिस, सबसे पहले हमने लेना है स्टार्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट और एक लेंथ ले लेते हैं हम यहां तक। इसको लेंथ ले लेते हैं, हमारा ये स्मॉल सर्कल है तो हम इसको 1 की लेंथ लेके देखते हैं। ये 1 की लेंथ है, अगर हम इसको 50 लेते हैं, क्योंकि अगर इसका डायमीटर कम है उसके बाद हमारी आर्क आती है आर्क स्टार्ट एंड और एंगल। हम यहां स्टार्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये है एंड पॉइंट, और अब इसमें कितना एंगल होना चाहिए वो एंगल ले लेंगे। हम इसको एंगल कर देते हैं 45। सिमिलर फैशन में बाकी सब आर्क्स हैं, जैसे एक हमारे पास थी स्टार्ट एंड रेडियस, हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया एंड पॉइंट ले लिया। अब इसका रेडियस ले लेते हैं 3, तो वो 3 रेडियस की यहां आ गई, यहां एक सेंटर आ गया। बाकी सब भी सिमिलर फैशन में बनेंगे। अभी सारे बता दें एक बार, गेट को कर लीजिए ऑनलाइन। हेलो, गेट, यस सर हाँ जी गेट ओडिशा, हाँ यस जी। सर यस आर्क थैंक यू सर। मैंने आर्क के कुछ वो डिफाइन किए हैं 4, क्या आपको ये क्लियर हो गए। यस सर नाउ इट्स क्लियर। इसी सिमिलर फैशन में हम स्टार्ट एंड लेके बाकी बनाएंगे। ओके सर ओके ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य हाँ जी द्रोणाचार्य।
द्रोणाचार्य नोएडा, आपकी कोई प्रॉब्लम हो? इनकी क्लियर नहीं आ रही है ना। अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, थैंक. आपकी प्रॉब्लम हो इसमें? नो सर, इट्स क्लियर. ओके, द्रोणाचार्य थैंक यू. गुड़गांव। हाँ जी, आपकी कोई प्रॉब्लम हो? आपके यहाँ तो पीछे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना। आवाज नहीं आ रही है ना। आपका माइक म्यूट है सर. नहीं, तो बस कॉर्डलेस रखे हुए अभी। इनके इनकी आवाज नहीं आ रही। आपके ये एक्सटर्नल माइक नहीं हो. ओके, बैंडविड्थ में प्रॉब्लम लग रही है ना, लाइव स्ट्रीम नहीं आ रही है, कुछ बीच हाँ बीच ऐसे जी. कट के आ रही है ना। ज्ञान ज्योति ज्ञान ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अभी फिर आगे करें। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट कमांड है हमारी एक्सप्लोड कमांड, और ब्रेक को भी रिपीट कर देंगे और एक्सप्लोड। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये 1 यूनिट है। मैंने कल आपको पी एडिट बताया था, जो ये रेक्टेंगल है ये 1 यूनिट है। तो अगर हमने इसको अलग अलग करना है तो हम यूज करेंगे एक्सप्लोड कमांड, EXP LOD। पूरा हमें इसको, अगर इसका कोई शॉर्टकट नहीं, इसको पूरा लिखेंगे। एक्सप्लोड, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब क्या है, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता था, ये 1 यूनिट थी, अब ये अलग अलग हो गए हैं। और जैसे मैं अब पहले, अगर मैंने दोबारा से रिपीट करता हूं, एक रेक्टेंगल बनाया, अगर मैं इसकी ये लाइन डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो पूरा सिलेक्ट होता था। अब एक्सप्लोड के बाद मैं सिर्फ एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकता हूं, ये है एक्सप्लोड। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है ब्रेक एंड ज्वाइन। जैसे अभी हमने लाइन कमांड से रेक्टेंगल बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन एट द रेट 6,0। अब जाएंगे ऊपर एट द रेट 0,4। अब एट द रेट -6,0। अब हम सी से क्लोज कर देंगे। अब क्या ये रेक्टेंगल अलग अलग है? अगर मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहूं, अलग डिलीट हो जाएगी। अब मुझे ये 1 यूनिट चाहिए, तो हम ज्वाइन कमांड को यूज करेंगे। गो टू द मॉडिफाई, गो ज्वाइन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ 1 यूनिट। अब है हमारे पास ब्रेक कमांड। हमने एक लाइन ली,
एट द रेट 10.0। अब हम इसको इस पॉइंट को ब्रेक करना चाहते हैं। हमारा अब लास्ट यहां पॉइंट था, अब हम जा रहे हैं मॉडिफाई और ब्रेक। हमने एक फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जहां से ब्रेक करनी है, या फिर विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम कमांड यूज टू सिलेक्ट दिस पॉइंट एफ आर ओ एंटर, ये बेस पॉइंट फॉर ब्रेक। अब इसके बाद एट द रेट कितनी दूरी पे यहां से ब्रेक करनी है, 2.0। अब सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफाई द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट करना है अगेन एट द रेट 2.0। उसने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट उठाया, हमने फ्रॉम कमांड से ये पॉइंट यहां से दिया 2.2, और उसके बाद ये डिस्टेंस भी दे दिया हमने 2। और हम सिंपल भी किसी ब्रेक कमांड में जाके डिलीट कर सकते हैं ब्रेक, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट और ब्रेक। अगर हमारे पास डायमेंशन डिफाइंड है तो उसे यूज करेंगे। सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। द नेक्स्ट कमांड इज स्केल कमांड, लेंथन एक्सटेंड। हम एक लाइन लगाते हैं अगेन, लाइन फर्स्ट पॉइंट एट द रेट लेंथ इज 10.0। नाउ वी वांट टू स्केल दिस, एस सी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम एक रेक्टेंगल को स्केल करते हैं, वो ज्यादा विजुअल होगा, ये रेक्टेंगल ली, और अगेन स्केल कमांड एस सी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेलेक्ट द बेस पॉइंट। हमने जिस पॉइंट से स्केल करना है, हम इस कॉर्नर को बेस पॉइंट लेते हैं, सेलेक्ट। अब कितने का स्केल करना है, हमने इसका ट्वाइस करना है तो 2 कर दीजिए, एंटर, तो उसका ट्वाइस स्केल हो जाएगा। और अगर हमें स्केल में वो जो पहले था वो भी चाहिए, स्केल बेस पॉइंट देन कॉपी, देन कितने का स्केल चाहिए हमें, 2 का। कॉपी में क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, इनिशियल एलिमेंट था, वो भी है, और जो हमने स्केल किया वो भी है। स्केल का शॉर्टकट है एस सी। हम मॉडिफाई कमांड में जाके यहां से भी स्केल कर सकते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट लेंथन। हमने ए लाइन को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी परसेंटेज करनी है, कितना करना है इसको, 100% है, इसको 150 कर देते हैं। ये 150 हो गया। अगर हमने इसको चेंज करना है, अगेन कमांड लीजिए और परसेंटेज कर दीजिए 50, तो ये क्या है, इसका हाफ हो जाएगा,
ये है लेंथन, इस लेंथन में एक था परसेंटेज, एक है टोटल। अब हमें ये टोटल लाइन चाहिए 10 की या 20 की, तो हम टोटल में जाएंगे, स्पेसिफाई द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज 20, और सेलेक्ट द लाइन, तो टोटल 20 की हो जाएगी। इसका रियर आप जिस साइड को सिलेक्ट करेंगे उसके नियरर वाली साइड बढ़ेगी। मैंने ये परसेंटेज किया, ये कर दिया 110 कर देते हैं, एंटर। मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया तो इस तरफ बढ़ रही है। अब मैं इस कॉर्नर को सिलेक्ट, कमांड कंटिन्यूस है उसका, 120 हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रही है तो बढ़ रहा, ठीक है। अब जिस कॉर्नर को साइड सिलेक्ट करेंगे उस साइड वो बढ़ जाएगा। अब है इसके बाद है हमारी अगेन यूज लेंथन कमांड, गो टू द मॉडिफाई कमांड, गो टू द लेंथन। नाउ डेल्टा, एंटर द लेंथ टू इंक्रीज, इंक्रीज हम 2 का कर देते हैं। ये इस कॉर्नर को सिलेक्ट करते जाएंगे तो 2 इंक्रीज हो रही है। जो डेल्टा है, जब हम पहले ये लेंथन की आगे फर्दर कमांड्स हैं, गो टू द मॉडिफाई कमांड, गो टू द लेंथन, और उसके बाद डेल्टा, उसके बाद डायमेंशन 1 सिलेक्ट किया तो वो 1 बढ़ रहा है। नेक्स्ट अभी हमारा हो गया था जो डायनेमिक है उसमें हम कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसी लाइन को हमने अगेन लेंथन पे जाइए, डायनेमिक पे क्लिक कीजिए, लाइन को सिलेक्ट कीजिए, जिस साइड से, जिस पॉइंट से हमने बढ़ाना है उस पॉइंट को क्लिक कीजिए, वो उसकी दूसरी तरफ जा, तो इस तरफ जाएंगे तो घटेगा, दूसरी तरफ जाओगे तो बढ़ेगा। ये लाइन पे उसको लेंथन करते रहेंगे, उस पे हम स्केल करेंगे। और अब हम मॉडिफाई में जाते हैं, हमारी नेक्स्ट कमांड है एक्सटेंड का शॉर्टकट है ईएक्स एंटर। इसमें भी है जैसे हम ट्रिम करते थे सिलेक्ट ऑल, या इन दोनों एलिमेंट तक करना है तो इस दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कीजिए, वो एक्सटेंड वहां तक करेगा जिस एलिमेंट तक हम सिलेक्ट करेंगे। अगर अब है अगर हम ऑल करते हैं तो सभी सिलेक्ट करेगा, अगर हम कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट करते हैं तो वहीं तक होगा। रिपीट करता हूं, ईएक्स एंटर। अब मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया, एंटर, और अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो ये उस रेक्टेंगल की तरफ ही हो रही है, बीच में इस लाइन को कट नहीं किया, जो ये लाइन है इसको नहीं सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल जेड, दोबारा से एक्सटेंड कमांड लेते हैं और सिलेक्ट ऑल करते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले ये इस तक एक्सटेंड होगी, उसके बाद आगे जाएगी। पहले क्या था, वो सिर्फ वो एंड वाला उसको रिजल्ट कर रहा था। क्लियर है ये चीज, ये होगी हमारी एक्सटेंड कमांड। उसके बाद है हमारी स्ट्रेच। स्ट्रेच मूव बता दिया, स्ट्रेच ओप्स मूव हमने डिस्कस कर ली थी ना कमांड, मूव कॉपी
लाइन टाइप, लाइन वेट, लाइन कलर भी हो गया था, और लास्ट क्लास में पॉलीलाइन हो गई थी, ब्रेक, एक्सप्लोड, स्प्लाइन और ज्वाइन। ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन अभी किया था, ज्वाइन रिपीट करता हूँ फिर। एक्सप्लोड, अच्छा आप लेट हो गए। हमने ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल क्या है, वन यूनिट है। ये देखिए सारे, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ये ब्लू कलर कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखो ये ब्लू पॉइंट है, ये एक बार में सारा सेलेक्ट हो जाता है। तो जब अब इसमें क्या करना है, हमने इसको एक्सप्लोड करना है। जैसे हमने एक लाइन से रेक्टेंगल बनाए, ये लीजिए एक लाइन से, एक अब क्या है, इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो इसको इस तरह से करने के लिए हम यूज करेंगे कमांड एक्सप्लोर। क्लियर है? ये देखिए इसको, ये एक अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर ज्वाइन कमांड करेंगे, ठीक है। एक्सप्लोर के लिए पूरा एक्सप्लोर लिखना पड़ता है, एक्स ELO डी पूरा एक्सप्लोर, क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब क्या है, ये एक्सप्लोर हो गया, ये अलग अलग लाइंस हो गई। क्लियर है? अब हमने ज्वाइन करना है, जे एंटर ज्वाइन, अब क्या है ये एक पूरी लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। ज्वाइन क्या है, कोई भी दो एंड्स की जो चीजें हैं उनको ज्वाइन कन्वर्ट कर देगा पॉली लाइन में। अब ये है, अगर इसको भी है, ये क्लोज है, इसको भी करना चाहे तो इसको भी वो ज्वाइन कर देगा। हाँ, इसको एक रेक्टेंगुलर फैशन में ज्वाइन कर देगा। जे एंटर सेलेक्ट ऑल एंटर, अब इसको सेलेक्ट कीजिए ज्वाइन। ये दो लाइनों को भी ज्वाइन कर सकता है और पूरा उसको भी ज्वाइन कर सकता है। अगर हमने यहां एक आर्क लगाई होती तो उसको भी वो ज्वाइन कर देता। नाउ ज्वाइन भी हो गया। अब हमारे पास आता है टेक्स्ट, कोई और कोई प्रॉब्लम हो। अब हम करते हैं टेक्स्ट, हमारे पास टेक्स्ट का टी एंटर फॉर, इसको कहते हैं मल्टी टेक्स्ट। पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए, दूसरा, ठीक है। और उसमें जैसे हम वर्ड में लिखते हैं सिमिलर फैशन में हम इसको यूज कर, चेंज करना है कलर चेंज कर लीजिए, सिलेक्ट ऑल चेंज द कलर, कलर चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कोई भी हमने एरियल एरियल ब्लैक यूज करना है वो हो जाएगा। हमारा इसकी हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ जाएगी। इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे हम वर्ड में करते, पहले सिलेक्ट कीजिए फिर उसकी हाइट कर दीजिए, 5 बढ़ जाएगी। जितना हम लिखते जाएंगे वो उतना उसके बाद बनता जाएगा। और इसको हम जैसे, अब मैं इसको छोड़ दूं तो यहां आ गया, उसके बाद
अगर हमने इसको आगे लेके जाना है, आगे भी ले जा सकते हैं यहाँ से, इसको पिक करके ऑर्डर कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं वैसे आइए। ठीक है जी, टेक्स्ट हो गया। अगर हमने टेबल इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल गो राइट अ टेबल कमांड, ड्रॉ में टेबल, कितने नंबर कितने कॉलम का लेना है, जिस तरह हमने नॉर्मल टेबल है उसको वो करते हैं, हम जो इसमें डिफॉल्ट है उसको उठाते हैं और यहां रखते हैं, और इसके टेबल के हर कॉलम में हम अपने जो भी राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बिल ऑफ मटेरियल किसी भी चीज के लिए टेबल यूज करते हैं। अभी हमारे पास हमने स्केल लेंथ एंड एक्सटेंड ये सब कर ली, टेबल कर लिया, ये हमारा 2D का लगभग, इससे हम ये मिनिमम कमांड्स हैं जिनसे हम सारी 2D बना सकते हैं, जो भी 2D ड्राइंग्स है। अब हम ड्राइंग बनाते हैं एक, सेलेक्ट ई एंटर रेज ऑल। अब एक्सरसाइज नंबर 12, तो हो गई, 13 पे चलते हैं। अब ये बताइए किस किस से हम बना सकते हैं, किस किस उसमें, किस किस कमांड से? एरे लग सकता है इसमें, ये चारों में एरे लग सकता है, 90 डिग्री पे, बट ये इसमें डिफरेंस है कुछ, इसका है ये 5 है, तो ये बन जाएगा हाफ पे आता है, और इसका है 6, ये 2.5 के डिस्टेंस से यहां से, ये 3 पे, तो हम इसमें एरे नहीं यूज करेंगे, तो क्या है, हम हाफ बना के उसका मिरर कर सकते हैं। फर्स्ट वी ड्रा रेक्टेंगल ऑफ 6 by 5, दिख नहीं रहा, ये है इसका एक्स है 6 और ये है 5, लाइट बंद करनी है तो देख लो, अगर अब हम रेक्टेंगल बनाते हैं 6 by 5 का ऑटोकैड में। सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड, फर्स्ट पॉइंट, देन एट द रेट 6.5, एंड एंटर। लेयर चेंज कर लें हम, रेड मैम इस स्क्रीन पे ज्यादा विजिबल कलर कौन सा रहेगा? लेयर्स में जाओ, LA/Y और LA, चेंज द कलर, पहले उसको करंट से चेंज कर लीजिए,
अगेन लेयर कमांड एल ए एंटर, उस इस लेयर का कलर चेंज कर लेते हैं येलो। अब इसको करंट ले लेते हैं। अब हमने एक रेक्टेंगल बनाया है अभी तक 6x5 का। अब एक सर्कल बनाते हैं यहां पे, और ये डिस्टेंस है हमारा 2.5 होगा। हाँ, इसका एक्स में ये होगा, ठीक है, तो इसमें से ये यहां से 1 हो जाएगा क्योंकि इसके हाफ में है। तो ये हम ये सर्कल बनाते हैं पहले एक्स, और इसका रेडियस है, डायमीटर है 0.5, इन एक्स इज 1, इन वाई इज 2.5। सर्कल यूज फ्रॉम कमांड FRO एंटर, सेलेक्ट बेस पॉइंट, देन एट द रेट 2.5, ओके, इन एक्स वी गोइंग टू 1 एंड इन वाई वी गोइंग टू 2.5, एंटर, एंड द डायामीटर इज डी एंटर, डायामीटर इज 0.5। नाउ यूज अ कॉपी कमांड और यूज मिरर। उससे पहले हम एक यहां पे रेक्टेंगल बनाते हैं। द रेक्टेंगल इज 1x1 एंड द फॉर 0.5 इन बोथ डायरेक्शन। गो अ रेक्टेंगल कमांड, यूज फ्रॉम कमांड, FRO एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, देन एट द रेट 0.5, कॉमा 0.5, एंड एट द रेट 1,1। इसके बाद हम यूज करेंगे एरे से कर सकते हैं क्योंकि हमने यहां रेक्टेंगुलर एरे लग जाएगा। हमारे पास इसका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 3, ये हो गया, और 1, 3 और 1 4, और इस तरफ से यहां तक का डिस्टेंस है 3 1 1 1 3। तो फर्स्ट गो टू द मॉडिफाई कमांड, गो टू द एरे, रेक्टेंगुलर एरे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। नाउ फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम 4, सॉरी, इन रो 2 एंड इन कॉलम, फर्स्ट गो टू द कॉलम 2 एंड द डिस्टेंस इज 4, एंड इन रोज 2 एंड द डिस्टेंस इज 3। आफ्टर दैट एक्सेप्ट इट, एंटर। अब हम मिरर से ये सर्कल बना लेंगे, और दूसरा सर्कल वैसे बनाना पड़ेगा हमें, या कॉपी कॉपी से भी हो सकता है। मॉडिफाई मिरर, सेलेक्ट, एंटर, सेलेक्ट मिड पॉइंट, नो द सोर्स फॉर अरेज ऑफ द नो। अब इसके बाद यहां एक सर्कल बनाएंगे, ये है 0.51, ये यहां से
ऊपर वाली लाइन से या इसके मिड पॉइंट से लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से यहां तक 1.5 का डिस्टेंस है। कॉपी कमांड CO, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट, देन सेलेक्ट फ्रॉम कमांड FRO, एंटर, सेलेक्ट द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट को, ये हम इसका मिड पॉइंट एज अ बेस पॉइंट यूज करेंगे। अब एट द रेट 1.5, 0, एंटर, ये हमारा यहां आ गया। अब सिमिलर फैशन हम नीचे कर देंगे, फिर फ्रॉम कमांड FRO, एंटर, ये मिड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब एट द रेट 1.5, 0। अभी तक आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हमने यूज किया है फ्रॉम कमांड और लाइन कमांड को। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको हम किससे बना सकते हैं? अभी जो क्लासरूम में बैठे हैं आप बताओ इसको किससे बना सकते हैं? ऑफसेट से भी बन सकता है, हमें सिर्फ हर आर्क का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें 1.15 का डिफरेंस है इन दोनों आर्क्स में, पहले एक फर्स्ट इनिशियल बना लेते हैं फिर उसको ऑफसेट करते रहेंगे। फर्स्ट वी मेक अ विद द हेल्प ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल वी मेक दिस। नाउ वी फर्स्ट वी मेक अ रेक्टेंगल, द डिस्टेंस इज 2 और ये है 0.5, 2/1, एट द रेट 2.1, आफ्टर दैट गो टू द आर्क कमांड और यूज अ सर्कल। हम सर्कल से भी बना सकते हैं, सर्कल पे गए, 2-point सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। एंड सिमिलर फैशन हम आर्क से बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सा है? स्टार्ट, ये स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट, ठीक है। अब हम ट्रिम, TR, एंटर, सेलेक्ट ऑल, एंटर, अब हम इसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट के लिए ओ एंटर या मॉडिफाई में जाके ऑफसेट, हम इसको डिस्टेंस लेते हैं 0.15, एंटर। अब मैं इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो ये अकेला बनता है और ये अकेला, बट इसको हम पहले ज्वाइन कर लेंगे फिर पूरे को बनाएंगे। J enter, join, इससे हमें इजी हो जाएगा जब हम ज्वाइन करके बनाएंगे। अब गो टू द मॉडिफाई कमांड, गो टू द ऑफसेट, सिलेक्ट कीजिए इसको, ऑब्जेक्ट को। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस, हमने ऑफसेट डिस्टेंस लिया है 0.15 और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑफसेट। इसी तरह से अब हमने सिर्फ
एक डिस्टेंस डिफाइन करना है और सभी को बना सकते हैं। दूसरे का डिस्टेंस इसमें क्या है, 0.85 है और हमारे पास है 0.65, देन डिफरेंस इज 0.2। देन अगेन ऑफसेट कमांड, ओ एंटर, द डिस्टेंस इज 0.2, एंटर, सेलेक्ट एंड 0.2, एंड डिफरेंस इन नेक्स्ट इज 0.15। द रेडियस इज 1 एंड द रेडियस ऑफ दिस आर्क इज 0.85। नाउ अगेन यूज अ ऑफसेट कमांड, द डिस्टेंस इज 0.15, एंटर, स्पेसिफाई। अब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब हमारे पास ये शेप बनानी है, तो मिड पॉइंट से एक लाइन लेंगे, उसको ऑफसेट कर देंगे 0.3, 0.3, फिर उसको ट्रिम कर देंगे। गो टू द लाइन ऑर्थो, ऑर्थो जैसे अभी मैं इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, ऑर्थो है, जब हम ऑर्थो सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्थो एक फंक्शन की है, उसके बाद क्या है, लाइन हमेशा स्ट्रेट जाएगी। तो अब हमने यहां स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो ऑर्थो ले रहे हैं हम कमांड। ये देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस डायरेक्शन में जाएगी स्ट्रेट जा रही है। अब ऑफसेट, ओ एंटर, 0.3, सेलेक्ट इस डायरेक्शन में, सेलेक्ट दूसरी डायरेक्शन में। अब ट्रिम कमांड टी आर, सेलेक्ट ऑल और ट्रिम कर दीजिए। सेलेक्ट एंड डिलीट। अब हम यहां आर्क कमांड भी यूज कर सकते हैं, टू पॉइंट सर्कल भी यूज कर सकते हैं। अब आर्क में क्या प्रॉब्लम होगी, हमें सेंटर पॉइंट चाहिए होगा या रेडियस चाहिए होगा, तो सबसे इजी क्या है, टू पॉइंट सर्कल। एक जगह टू पॉइंट सर्कल बना लीजिए, बाकी जगह आर्क लगा सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर फिर मिल जाएगा। तो हम ड्रा कमांड में गए, सर्कल, टू पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली एंटर, सेलेक्ट टू पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब क्या है, हमारे पास सेंटर पॉइंट आ जाएगा अगर हमने आर्क लगानी है। गो टू द ड्रा कमांड, गो टू द आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड। अब क्या है, हमने स्टार्ट पॉइंट जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, या तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज करें, वरना स्टार्ट पॉइंट एस्केप करके चेंज कर लें। ड्रा स्केचिंग, स्टार्ट दिस पॉइंट, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सिमिलर फैशन या फिर ये कर सकते थे, एक साइड का बना के उसको मिरर कर देते, बट अभी हमने लाइन डिलीट कर दी है तो हमें पॉइंट्स नहीं प्रॉपर मिल पाएंगे। आर्क पे जाएं, स्टार्ट हमारा स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट। Now after that use trim command tr,
After this exercise, we go to the next exercise. Model number 14. अब इसको हम किस किस कमांड से बना सकते हैं? इसमें हम ऑफसेट यूज करेंगे और आर्क भी यूज कर सकते हैं, सर्कल भी यूज कर सकते हैं, मिरर भी यूज कर सकते हैं, एक साइड बना के दूसरी साइड को मिरर कर दें, ठीक है। फर्स्ट हम ये 0.75 डाया वाला रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे, फिर 1.7 वाला, उसके बाद इसको ऑफसेट कर देंगे या फिर एक सर्कल लगा लेंगे जिसका डाया हमारे पास गिवन है रेडियस गिवन है 1.625। पहले हम ये दो सर्कल लगाते हैं, उसके बाद फिर ड्राइंग पे आते हैं। द फर्स्ट इज डाया इज 1.7 एंड सेकेंड इज 0.75। सेलेक्ट ऑल, देन ई एंटर फॉर अ रेज। Now, first we make a circle of diameter is 0.75. Then we make a next circle. The diameter is 1.7. Enter. इसके बाद हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका डाया है, जिसका रेडियस है 1.625। नाउ रेडियस इज 1.625। क्लियर है। उसके बाद हम एक लाइन लगाते हैं, इसका एंगल यहां से है 73 डिग्री, तो हम, और दूसरी का है जो दूसरी बड़ी वाली लाइन है उसका 50 डिग्री, तो हम एक 50 डिग्री की लाइन लगाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिम करेंगे। L enter for line command, specify the this point, now of the ortho and at the rate, the length is, जो सब outermost की वो होगी, वो length होगी हमारे पास, outermost का dia कितना है, radius is 2.725, तो इसकी length भी होगी 2.725, 2.725, less than का साइन, the angle is 50, we use anti-clockwise, then we take 50, enter here. Or otherwise, if we need it downwards, to use minus or go to the units, UN enter, change clockwise. The direction of angle is changed to clockwise. L enter, specify the point, then same at the rate 2.725, less than sign 50. अब ये सिमिलर फैशन में यहां बन रहा है, ठीक है, बट मोस्टली हम यूज एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं। क्लियर है जी?
अब यूज करते हैं मिरर कमांड टू मिरर दीज टू लाइंस. गो टू द मॉडिफाई कमांड. नहीं ये देखिए 73 तो मिड में है. ये आप मैं अभी ये वाली लाइन लगा रहा हूँ. ये तो 50 है. जो यहां लगेगी वो है वो 73 है. अभी तो हमने ऑफसेट करेंगे 0.5 है इन दोनों का डिस्टेंस. तो ये सेंटर में है तो इससे 0.25 का है नीचे ऑफसेट करेंगे आर्क को 0.25 की ऊपर. इसके बाद हम लाइन लगाएंगे 73 की. पहले हम लाइन लगाते हैं ये 73 की. उससे आ गया 34. तो टोटल यहां से एंगल ये 34 वाला कितना बन जाएगा 105. या हम इसको मिरर कर सकते हैं 107 बनेगा या इसको मिरर कर सकते हैं. सॉरी लाइन कमांड स्पेसिफाई दिस पॉइंट देन यूज एट द रेट. नाउ द डिस्टेंस इज 2.725 less than angle is 73. Enter. Now use a mirror command. Modify mirror. सबसे पहले इस लाइन को नीचे करते हैं सेलेक्ट या फिर हाफ बना के उसको मिरर कर लेंगे. एंटर. उसके बाद मिरर लाइन ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट. एंटर. अब इन दोनों को दूसरी साइड मिरर कर लेते हैं. मॉडिफाई मिरर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट. चारों लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे. एंटर करेंगे. क्वाड्रेंट सेलेक्ट करेंगे. ठीक है जी. अब ट्रिम कर देते हैं टी आर. अब सेलेक्ट ऑल. ये तो सर्कल था ना तो हम वो दोबारा से ट्रिम कमांड लेते हैं टी आर. एंटर सेलेक्ट ऑल. ये सर्कल ही डिलीट करना है यहाँ से ट्रिम करना है. ये तो अंदर वाला सर्कल तो यहाँ दो सर्कल हैं. हमने सिर्फ इसको ट्रिम करके अब ऑफसेट कर देंगे. ऑफसेट हमने करना है 0.2525 का और हमारा ट्रिम यहां तक हुआ था यहां तक है. इसके बाद ओ एंटर 0.25 सेलेक्ट दिस. नाउ ऑफसेट. यूज अ टू पॉइंट सर्कल और आर्क टू ड्रा द आर्क हेयर. यूज टू पॉइंट सर्कल. सिमिलर फैशन draw in other side. Now use trim command. Select all. Now mirror this. Modify mirror. Enter. Select these quadrants.
Now draw outer circles, two outer circles. This one radius is 2.725 and 2.325. हाँ जी ये जो में है उसमें जो मेरा ओवरराइट हो गया ना उसके ऊपर नहीं ओवरराइट नहीं हुई हो हमने किस कौन सी लाइन ओवरराइट हो गई हो ये वाली नीचे तो ऑलरेडी बनी हुई है तो उसके ऊपर ओवरराइट हाँ ओवरराइट हो गई होगी तो इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं ये ओवरराइट हो गई थी अब इसको एक और सर्कल लेते हैं नाउ द रेडियस इज 2.725 एंड द सेकेंड सर्कल रेडियस इज 2.325 एंटर और अब एक्सटेंड कमांड एक्सटेंड ईएक्स एंटर सेलेक्ट ऑल एक्सटेंड दिस लाइन टू हेयर इसी तरह से इस तरफ कर लेंगे क्लियर है ये चीज अब टी आर ये हमारी डायग्राम इज कंप्लीटेड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेक्ट कैसे करते हैं एनक्वायरी कमांड और सिलेक्शन ये करेंगे और नेक्स्ट सेशन होगा 2:30